सारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया। दूसरा सवाल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कॉन्ट्रैक्ट छीन कर अनिल अंबानी को कैसे दिया गया। 30,000 करोड़ रुपए का ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को क्यों मिला। एचएल बेंगलोर के पास जमीन है, एचएल बेंगलोर के पास रेप्यूटेशन है, एचएल बेंगलोर हवाई जहाज बनाती है, अनिल अंबानी को एचएल से छीन के आपने क्यों दिया, हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों दिया। उसके बाद हिंदुस्तान में रोजगार की कमी है, आपने फ्रांस की सरकार को कहा कि आप भैया हवाई जहाज फ्रांस में बनाइए और 36 हवाई जहाज की जरूरत। तो ये हमारे सवाल है। और आपने वैसिलेशन सरकार का देखा, डिफेंस मिनिस्टर ने जब मोदी जी फ्रांस गए वापस आए, डिफेंस मिनिस्टर ने सीधा बोला कि देखिए मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, प्रधानमंत्री को मालूम है फ्रांस में क्या हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति होलैंड कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट हमें ऑर्डर दिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने सीधा बोला भैया अनिल अंबानी को देना है, 36 हवाई जहाज खरीदने हैं और फ्रांस में बनेगा। तो हम आपको केस प्रेजेंट कर रहे हैं और हम देश को केस प्रेजेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सवाल सरकार को सवाल के जवाब देने हैं, एक भी जवाब नहीं आता है। डिफेंस मिनिस्टर सीतारमन पहले कहती हैं हाँ हम पार्लियामेंट में प्राइस रखेंगे, फिर कहती हैं प्राइस इज अ सीक्रेट। मैक्रोन जी आते हैं, मनमोहन सिंह जी, मैं आनंद शर्मा जी उनके साथ बैठते हैं, कहते हैं भैया प्राइस इज अ सीक्रेट, कहते हैं नहीं प्राइस इज नॉट अ सीक्रेट, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर का पैसा है, प्राइस सीक्रेट कैसे हो सकता है। उसके बाद प्राइस निकलती है, डेसोल्ट की ब्रोशर में प्राइस साफ निकलती है, 1600 करोड़ रुपए पैसा डेसोल्ट को दिया गया। तो ये हमारे सवाल है। वैसिलेशन होता जाता है, प्रधानमंत्री तो बोलते नहीं है, अरुण जेटली जी बोलते हैं, निर्मला सीतारमन जी बोलते हैं। हमने जेपीसी मांगी, कहा कि देखिए ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट का है, करा दीजिए, आइए सामने करा दीजिए ना। अरुण जेटली जी का ट्वीट आपने देखा, मैंने उनको ट्वीट किया कि चैलेंज किया कि भाई कर दीजिए ना, नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है, आज सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन में जजमेंट देती है और उस जजमेंट से मैं तीन लाइन पढ़ना चाहता हूं। द प्राइसिंग डिटेल्स हैव हाउएवर बीन शेयर्ड विद द कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल हेरिन आफ्टर रिफर्ड टू एज सीएजी एंड द रिपोर्ट ऑफ द सीएजी हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द पब्लिक अकाउंट्स कमिटी हियर आफ्टर रिफर्ड टू एज पीएसी। Only a redacted portion of the report has been placed before the parliament and is in public domain. अब ये इस जजमेंट का फाउंडेशन है। मैं हिंदी में भी बोल देता हूं, जो राफाल हवाई जहाज के प्राइसिंग डिटेल्स हैं, कीमत के डिटेल्स हैं, उनको कॉम्प्टर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में लिखा गया है और वो जो रिपोर्ट है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो पार्लियामेंट की कमेटी है, उसके साथ शेयर किया गया है। ये भाइयों और बहनों जजमेंट का फाउंडेशन है। अब मेरे सामने खारगे जी बैठे हैं और खारगे जी पीएसी कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट में, और आप लोग खारगे जी से सीधा पूछ लीजिए क्या सीएजी रिपोर्ट पीएसी कमेटी में आई, नहीं आई, पार्लियामेंट में रखी गई, और इन्होंने जो पीएसी के चेयरमैन है इन्होंने सीएजी रिपोर्ट अपनी जिंदगी में देखी है, हाँ या ना, पूछ लीजिए, पूछे। देखिए, एक तो सीएजी के पास भी उनका कोई कमेंट्स नहीं है और रिपोर्ट नहीं है सीएजी का। सीएजी के जो पैराज होते हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को रेफर करते हैं, इसके बारे में ना सीएजी को पता है। आज मैंने डिप्टी सीएजी को बुलाकर पूछा, क्योंकि हमारी मीटिंग भी थी आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 3 बजे, उनको पूछा ये कैसा आ गया,
कैसा होगा है? क्या कोई फर्जी तो कोई किए नहीं मेरे सिग्नेचर करके अगर कोई उतना ही एक्सट्रैक्ट जब सीएजी के पास नहीं है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने का सवाल नहीं है जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आएगा तो हम वो रिपोर्ट छिपा के नहीं रख सकते पार्लियामेंट में पेश करते हैं पार्लियामेंट में भी मैंने पेश नहीं किया जब पार्लियामेंट में आएगा तभी पब्लिक डोमेन में आएगा पब्लिक डोमेन में भी नहीं है तो यह आया रिपोर्ट कहाँ से किसने दिया और कानून ये कहता है रूल ये कहता है कि जब तक पार्लियामेंट को रिपोर्ट वो पेश नहीं किया जाएगा तब तक किसी को भी उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है और एक एफिडेविट के माफिक जब एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो हम उनका एफिडेविट भी लेते हैं कि ये जो चर्चा हो रही है किसको नहीं कहना चाहिए जब तक हम पार्लियामेंट को पेश नहीं करेंगे तो ये सब सत्य के बाहर है ये कैसा हुआ ये एक बहुत अजब चीज़ है और गजब चीज़ है ये हमारा हमको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में को वहाँ पर खींचा गया है ये अनट्रुथ अब आप देखिए मैं मुझे एक काम करना पड़ेगा मुझे कैमरा इधर लाने पड़ेगा क्योंकि आप लोग मुस्कुरा रहे हो आप लोग हंस रहे हो आपको सच्चाई दिखाई दे रही है अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो उनका बेसिक फाउंडेशन है उसमें यह सवाल कैसे उठ रहा है ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो फाउंडेशन है कि प्राइसिंग सीएजी की रिपोर्ट में डिस्कस हुई है और यहां पीएससी के चेयरमैन बैठे हैं और इनको सीएजी रिपोर्ट आज तक नहीं दिखी पीएससी कमेटी में किसी को नहीं दिखी मगर सुप्रीम कोर्ट को दिख गई मुझे 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 समझ नहीं आ रही बात आई एम सीरियसली नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू आर लाफिंग बट आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज देखिए जब आप झूठ बोलते हैं भाइयों और बहनों जब आप कोई झूठ बोलता है तो कहीं ना कहीं निकलता है अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो सीएजी रिपोर्ट ये है कहां है हमें भी दिखा दें और पीएससी के जो चेयरमैन है खड़गे जी उनको भी दिखा दें या शायद कोई और पीएससी चल रही है किसी और पार्लियामेंट में चल रही है पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है कहीं और चल रही मुझे नहीं मालूम ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी पीएससी बैठा रखी है पीएमओ में मैं नहीं जानता हूं क्योंकि फ्रेंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दी है धजिया हो रही है मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन कुछ कहता है दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है दूसरी तरफ चार चीफ जस्टिस निकलते हैं मतलब सबकी धजियां उड़ा दी हैं और आप हंस रहे हो ये बड़ी सीरियस बात है हंसने की बात नहीं है यहां पे 30,000 करोड़ रुपए की चोरी हुई है और किसानों याद रखिए छत्तीसगढ़ राजस्थान मध्य प्रदेश में आपका कर्जा माफ होने जा रहा है ये जो पैसा लिया है चोरों ने ये आपका लिया है और किसी का नहीं लिया है और इन बातों में कोई नहीं फंसने वाला है पूरा हिंदुस्तान समझता है कि चौकीदार चोर है सीधी बात है और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई है बोलिए जितना बोलना है यह सच्चाई है और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है सूंघ पाती है और मोदी जी आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए आप नहीं बच सकते जिस दिन इस पर इंक्वायरी हो गई जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी जेपीसी करेगी जिस दिन वो हो गया दो नाम निकलेंगे नरेंद्र मोदी अनिल अंबानी नरेंद्र मोदी थैंक यू